हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, जैसे आपकी काउंसलिंग ख़त्म हुई, ख़त्म होने का क्या मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब 90% स्टूडेंट ने अभी क्या अपनी काउंसलिंग या फिर चॉइस फिलिंग कर ली है, ठीक है। तो अब उनका DM आ रहा है, इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहे हैं, मतलब यूट्यूब के नीचे भी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने चॉइस फिलिंग कर ली, अब आगे क्या प्रोसीजर होगा और आपका सीट अपग्रेडेशन का रिजल्ट कब तक, सॉरी चॉइस फिलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा और सीट अपग्रेड करनी कन्फर्म करनी तो कितनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी और अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर फॉलो कर लिएगा, वहाँ पर भी हम मैसेज फुल अपडेट लाते रहते हैं और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा आगे क्या प्रोसीजर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ की जो आपकी चॉइस फिलिंग चल रही थी वो लगभग लगभग ख़त्म है। आज अभी आपकी 29 है, लास्ट डेट है, हो सकता है एक्सटेंड हो जाए डेट। अगर एक्सटेंड हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन होगी, मतलब आपका जो रिजल्ट है चॉइस फिलिंग का वो 30 के बाद कभी भी आ सकता है। हो सकता है 30 को ही आ जाए या 30 के बाद कभी भी आ सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जैसे रिजल्ट आएगा मैं उससे रिलेटेड भी अपडेट लेके आ जाऊँगा। मतलब अगले एक हफ्ते में आपने जितने भी स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग करी है सभी का रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, जब आपका काउंसलिंग का या चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर आपने जो भी सीट कंफर्म करी होगी या फिर जो भी सीट आपने चॉइस करी होगी या चूज़ करी होगी या जो भी कॉलेज आपने चूज़ किया होगा, उसमें से आपको देखना होगा कौन से नंबर का आपको कॉलेज मिला है। अगर फर्स्ट नंबर का मिला है कॉलेज जो आपने चूज़ किया था और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपने चूज़ किए थे वही आपको मिल गया, तब तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीट कंफर्म कर देना है, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन होगा सीट कंफर्म या फिर अपग्रेड, और जिनको फर्स्ट चॉइस ही मिल गई होगी उनके पास शायद अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा, सीधे सीट कंफर्म का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उनको सीट कंफर्म कर देना है। अब वहीं पर बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट जिनको कोई दूसरे नंबर या तीसरे नंबर या चौथे नंबर का कॉलेज या सीट मिली है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है, तो क्या कर सकते हैं वो। जैसे मान लेते हैं उनको थर्ड नंबर का मिला है, ठीक है, तो वो उनके पास सीट कंफर्म का एक ऑप्शन होगा और एक अपग्रेड का ऑप्शन होगा। तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करने से क्या होगा, आपको सेकंड नंबर का मिल सकता है या फिर थर्ड नंबर का मिल सकता है, और इधर कॉम्बिनेशन में हो सकता है आपने जो पहले दूसरे कॉम्बिनेशन चूज़ किए हो वो ना मिलकर थर्ड को वाला कॉम्बिनेशन मिला हो, तो कॉम्बिनेशन भी अपग्रेड हो सकता है। लेकिन अपग्रेड करने का मतलब ये है कि बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि सर अगर मैं मान लेता हूँ 3-4 नंबर वाली सीट है, ठीक है, यहाँ ये तीसरे नंबर का हमको कॉलेज मिला है, तीसरे नंबर का हमको सब्जेक्ट मिला और हम अपग्रेड करते हैं, तो अपग्रेड करने पे अगर मान लो सेकंड नंबर या फिर फर्स्ट नंबर वाला नहीं मिलता है तो क्या हमारा थर्ड नंबर पे जो मिला है वो रहेगा या चला जाएगा। तो नहीं फ्रेंड, अगर आपका सीट अपग्रेड नहीं होगी तो जो आपकी पुरानी वाली सीट है जिसको आपने अपग्रेड किया था वो आपकी बनी रहेगी, ठीक है, उसके बाद आपको कन्फर्म करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, जब आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर आपको सीट कन्फर्म या फिर अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग सीट कंफर्म कर देंगे उनको कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है और जिनको अपग्रेड करना है उनको कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ चुका हूँ, वो वीडियो आपको इधर कहीं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको पूरा समझाया था कि आपको सीट अगर अपग्रेड करनी है तो कितनी फ़ीस देनी है और ये फ़ीस आपकी जो ट्यूशन फीस है उसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी, वो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया। तो वो वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आगे क्या प्रोसीजर होगा, आगे जब भी आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो आपको सीट कन्फर्म और अपग्रेड करनी है। अपग्रेड करने के बाद आपको क्या करना है, अब अगर सीट आप कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, तो आपके जो भी सीट मिली होगी वो आपकी लॉक हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर हो सकता है उसी वक्त डाउनलोड हो जाए या फिर जब आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा तब डाउनलोड होगा। मतलब कभी भी आपका अलॉटमेंट, सिर्फ उसके बाद आपको क्या करना है, फीस जो भी बची है वो पेमेंट करना और अपग्रेड अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना है। और जो हमारे अपग्रेड वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीट अपग्रेड कर देंगे, ठीक है, तो वो एक हफ्ते का और वेट करेंगे, एक हफ्ते बाद फिर उसके बाद अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा। अब अपग्रेडेशन का रिजल्ट बनता कैसे, अपग्रेडेशन का रिजल्ट बनता है ऐसे कि जैसे मान लो कोई ये मान लेते हैं 2-3, ठीक है, आपको तीसरे नंबर वाली कोई सीट मिली, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू करके समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपको तीसरे नंबर वाली कोई सीट मिली, आपने अपग्रेड किया सेकंड नंबर के लिए, अब किसी को सेकंड नंबर वाली सीट मिली होगी या फर्स्ट नंबर के लिए अपग्रेड किया, ठीक है, अब किसी को फर्स्ट और सेकंड वाली में सीट मिली होगी, उसने सीट कंफर्म नहीं कराई, तो क्या होगा, मान लेते हैं 10 स्टूडेंट ने सीट कंफर्म नहीं कराई, तो जो 10 स्टूडेंट ने सीट कंफर्म नहीं कराई है उनकी 10 स्टूडेंट की जगह यहाँ और यहाँ खाली हो गई ना, तो इसमें से जो 10 स्टूडेंट टॉप के होंगे वो अपग्रेड करेंगे, वो यहाँ पर चले जाएंगे। इसी तरीके से आपका अपग्रेड होगा तो अपग्रेड का रिजल्ट उसके एक हफ्ते बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका अपग्रेड का रिजल्ट आएगा तब आपको देखना कि जो भी सीट आपको मिली वो सीट कंफर्म करनी है फिर अपग्रेड करना। अपग्रेड करने का मौका आपको तब तक मिलता रहेगा, 2-3 काउंसलिंग मतलब 2-3 राउंड तक मिलता रहेगा जब तक आपका फर्स्ट नंबर वाला सीटें भरना जाए, ठीक है, या उसके ऊपर की सीटें भरना जाए तब तक आपको अपग्रेड का मौका
मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है और क्या रहता रहता है हमारा, हमने बता दिया सीट कंफर्मेशन के बाद क्या करना है, या फिर सॉरी जब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो आपको क्या करना है, आपको सीट कंफर्म या फिर अपग्रेड करनी, कितनी फीस पेमेंट करनी, उस रिलेटेड मैं पहले बता चुका हूँ। और क्या बचता है हमारा, और उसके बाद जी हाँ फ्रेंड, उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो उस अलॉटमेंट लेटर आएगा, सॉरी जब आप सीट कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने को बोलेगा, वो होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। अब प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में होता क्या है, वहाँ पर आपको जो भी कॉलेज मेंशन होगा या फिर जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, जो भी कॉलेज कंफर्म किया होगा वो कॉलेज मिलेगा, तो उस कॉलेज में आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने। और अगर कोई फ़ीस बचती है, जैसे कि मान लेते हैं किसी कॉलेज की फ़ीस है 10,000 रुपये और यहाँ पर आपने काउंसलिंग प्रोसीजर और अपग्रेडेशन मिला के आपने पे किए 8,000 रुपये, तो बचता है कितना 2,000 रुपये, तो वो 2,000 रुपये जाके उस कॉलेज में जमा करना और आपकी क्लासेस लगभग लगभग स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप भेजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम मैसेज उस पर अपडेट लाते रहते हैं, जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।